कि अफगानिस्तान कितनी टफ डिप्लोमेसी करता है या अफगानिस्तान कितना टफ खेलता है कि उन्होंने पाकिस्तान की इज्जत भी नहीं रखी, उन्होंने ओआईसी की भी परवाह नहीं की। उन्होंने कहा जी आप हमें रिकॉग्नाइज ही नहीं करते, हम क्यों आपके इसमें आए। ये सारे के सारे ओआईसी के जो ममालिक यहाँ पे आए हुए हैं, सारे के सारे ममालिक, ऑल ऑफ देम हैव एन एक्सीलेंट रिलेशनशिप विद इंडिया। विल समवन स्टैंड अप विद पाकिस्तान फॉर कश्मीर? नो। इंडिया ने वैक्सीन बनाई और इंडिया जहां जाता है वो कहता है लॉ पाइन, वी आर दी ग्लोबल कैपिटल ऑफ वैक्सीन, आए हमारे पास, क्या चाहिए आपको। क्या ओआईसी फेल हो गई है? यस, ओआईसी फेल हो चुकी है। ओआईसी ने क्या किया क्या है? ये तो एक जबानी जमा खर्च है में एक इन्होंने प्लेटफॉर्म बना दिया हुआ है जिसका एक्चुअल यूटिलिटी कोई नहीं है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि पाकिस्तान में आजकल ओआईसी की बैठक चल रही है। दोस्तों, इस बैठक से पहले तो पाकिस्तान ने काफ़ी शोर मचाया था और बड़े बड़े दावे किए थे कि हम कश्मीर पर बात करेंगे और भारत को इसके लिए घेरेंगे, लेकिन पाकिस्तान के सारे दावे ही फेल हो गए। और वीडियो में अंत तक बने रहें और पसंद आने पर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। इस वक्त इस्लामाबाद में ओआईसी की ऑब्वियसली कॉन्फ्रेंस हो रही है और आपको शायद बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि अफगानिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं मुत्तकी साहब, उनको बुलाया गया था, आमिर खान मुत्तकी, लेकिन वो आए नहीं है क्योंकि उन्होंने अपनी इंसल्ट फील की। और उन्होंने जब लास्ट टाइम एक ओआईसी का ग्रुप फोटो हुआ तो उसमें से उनको निकाल दिया गया बिकॉज उनको किसी ने रिकग्नाइज नहीं किया हुआ। और अभी दोबारा उनको बुलाया गया तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपना एक अहम सा जो डिप्लोमेटिक ग्रुप है वो भेज दिया। एक डिप्लोमेटिक की जगह रिप्रेजेंटेशन तो उन्होंने करनी थी, उन्होंने अपने फॉरेन ऑफिस के लोगों को भेज दिया। अभी क्योंकि ह्यूमैनिटेरियन अफेयर्स जो है उसके तहत लास्ट टाइम भी ओआईसी की कॉन्फ्रेंस हुई, लेकिन आप इमेजिन करें कि अफगानिस्तान कितनी टफ डिप्लोमेसी करता है या अफगानिस्तान कितना टफ खेलता है कि उन्होंने पाकिस्तान की इज्जत भी नहीं रखी, उन्होंने ओआईसी की भी परवाह नहीं की। उन्होंने कहा जी आप हमें रिकॉग्नाइज ही नहीं करते, हम क्यों आपके इसमें आए। क्वेश्चन तो ये आता है कि क्या ओआईसी जो है किस हद तक कामयाब रही और ये क्या करेगी। आप देखिए मुस्लिम दुनिया को चैलेंजेस क्या हैं, उनको कैसे ठीक करना है। ये सारे के सारे ओआईसी के जो ममालिक यहाँ पे आए हुए हैं, सारे के सारे ममालिक, दे हैव एक्सीलेंट रिलेशनशिप विद इजराइलीज, मेनी ऑफ देम, एंड दे ऑल ऑफ देम हैव एन एक्सीलेंट रिलेशनशिप विद इंडिया, जो कि बुरी बात नहीं, अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए। बट द पॉइंट इज कि विल समवन स्टैंड अप विद पाकिस्तान फॉर कश्मीर? नो। विल समवन स्टैंड अप फॉर पैलेस्टाइन? नो। ये सिर्फ और सिर्फ वो एक जमा खर्च वाला खाता जो है ना वो है। अब ये जो 48 सेशन है काउंसिल ऑन फॉरेन मिनिस्टर्स का, और इसमें जाहिर बात है कि बड़े बड़े बातें होंगी, जिस तरह मोटी मोटी, जिसे मैं आपको बता दूं कि इमरान खान साहब ने अपनी जो अल्लाह के हुक्म से उनकी पार्टी का मैनिफेस्टो है ना वो इस दफा उन्होंने रख दिया है इसके आगे। उन्होंने कहा जी सबसे पहले तो हम इस्लामोफोबिया के ऊपर बात करेंगे। हमने चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर को भी बुलाया हुआ है स्पेशल इनविटेशन पे, जस्ट टू गिव अ मैसेज कि जी, और खास तौर पे हमने वेस्ट को वो इमरान खान साहब देना चाह रहे थे। और वो जो हमारी फॉरेन पॉलिसी का टिल्ट है ना चाइना की तरफ, वो तो कम्प्लीटली स्टैब्लिश हो गया, उसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान का जो टिल्ट है वो उधर है। और दूसरी बात यह है कि ओआईसी के इसमें जैसे कहते हैं, हमने यूरोपियन यूनियन को भी बुलाया, यूएन को भी बुलाया, अमेरिकन को भी बुलाया, रशियन फेडरेशन को बुलाया, सब आए हुए हैं वहां पे, अपने अपने नुमाइंदगान उन्होंने भेजे हुए हैं बिकॉज वो देखना चाह रहे थे। लेकिन क्या कोई इसमें से कोई डेवलपमेंट होगी? क्या यमन में हुआ, लीबिया में हुआ, सूडान में, सोमालिया में, सीरिया में, क्या वहां पे चीजें डिस्कस की जाएंगी? वहां पे क्या हो रहा है? क्या मुसलमान एक ट्रूथ एंड रिकॉन्सिलिएशन कमीशन बना सकते हैं जिसे एक्चुअली इस्टेब्लिश किया जा सके कि भाई करेंगे क्या मुसलमान? जो यमन में हुआ है, जो सीरिया में हुआ है, जो बाकी में इराक में हुआ है, जो अफगानिस्तान में हुआ है, उसके ऊपर एक क्या एक कोई ऐसा निजाम मैकेनिज्म इस्टेब्लिश किया जा सकता है जिससे हमें ये पता चल सके कि मुसलमानों की क्या गलतियां कुताई हैं। इस्लामोफोबिया पे हमने जो रख लिया वहां पे कि जनाब ये तो हमने डिस्कस ही करना है ना। कश्मीर और फलस्तीन का देखें, कोई आज तक सोल्यूशन आया तो बताएं। क्या सऊदी अरब के और यूएई के एक्सीलेंट रिलेशनशिप नहीं है? जो स्टेटस चेंज हुआ उसके हवाले से या तो हमें कोई गाइडलाइन देना आप, या तो हमें गाइडलाइन दें, बताएं कि भाई हाँ ये है, आज के बाद हमने ये करना है। अब पाकिस्तान ओआईसी का सपोर्टर है। अब हमारे पास एक ही प्लेटफॉर्म बचा मल्टीलैटरल और वो ओआईसी है। हम मानने को तैयार नहीं है। कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे हमारी लीडरशिप जा सकती है, जहां मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म हो एंड दैट गिव्स पाकिस्तान अ बिगर वॉइस। इसमें वो पुरानी जो पाकिस्तान का एक इन्फ्लुएंस था ओआईसी में, उस वक्त के जो फॉरेन मिनिस्टर्स हुआ करते थे वो तो ठीक है, जुल्फकार अली भुट्टो और वो सारा, फिर उनके साथ हुआ क्या, वो चीजें भी एक माजी का हिस्सा है। लेकिन क्वेश्चन ये रह जाता है कि क्या हमने इस्लामोफोबिया डिस्कस करना है? क्या हमने ये डिस्कस करना है कि जी जो मुसलमान मुल्कों से लूटा हुआ पैसा वेस्ट में चला जाता है, क्या आपको मुसलमान मुल्क उसके ऊपर बात कर सकेगा? ठीक है, इंटरनेशनल टेररिज्म के ऊपर बात करें, इकोनॉमिक, कल्चरल, सोशल, ह्यूमैनिटेरियन, साइंटिफिक डोमेन को बताएं ना कि ओआईसी ने कितनी जो है वो कोविड की वैक्सीन तैयार की है, तो हमें यही बता दे। सिर्फ बातें करने से तो चीजें नहीं चलेंगी ना। अब ये तो कोई बात ना होगी। अब वो आपके साथ यूरोप ने वैक्सीन बनाई, इंडिया ने वैक्सीन बनाई, और इंडिया जहां जाता है वो कहता है लॉ पाइन वी आर दी ग्लोबल कैपिटल ऑफ वैक्सीन, आए हमारे पास, क्या चाहिए आपको? अब ये जो चीजें हैं, अब मुसलमान एक बात तो करते हैं कि ओआईसी फेल हो गई है। यस, ओआईसी फेल हो चुकी है। ओआईसी ने क्या किया है? ये तो एक जबानी जमा खर्च है, एक इन्होंने प्लेटफॉर्म बना दिया हुआ है जिसका एक्चुअल यूटिलिटी कोई नहीं है। देखिए, ये कॉन्फ्रेंस जो है वो 40 साल के करीब जो है वो 50 साल के करीब, अगर मैं कहूँ 50 साल के करीब एक टाइम हो चुका है, और अभी तक ये जो कॉन्फ्रेंस है इसने कोई मीनिंगफुल अप्रोच जो है वो अडॉप्ट नहीं की। आप देखें कि 1970 में बनी, 1969 में, और आज तक देख लें इसकी क्या ट्रैक रिकॉर्ड है, स्वाय मगरब से डरने के। और इनमें से कोई लीडर ऐसा नहीं है जो सबको डर आता है वेस्ट से।